नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन प्रतियोगी परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम एडमिट कार्ड को किस प्रकार डाउनलोड करना है के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हम इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एडमिट कार्ड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। जहां पर हमें पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट के संदर्भ में जानकारी मिलेगी, इम्पोर्टेंट डेट्स के संदर्भ में एवं विज्ञप्ति डिस्क्रिप्शन हमें मिलेगा। गेट एडमिट कार्ड दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा जहाँ पर हमें एडमिट कार्ड फॉर प्री एग्ज़ाम एंटर एप्लीकेशन नंबर DOB एंड कैप्चा फिल करेंगे। गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करके हम अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन देखने के लिए हमें दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। अभी फ़िलहाल साइट पूरी तरह से कार्य नहीं कर रही है, अतः कुछ समय आप इंतज़ार करें ताकि आप अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाएँ। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इसी के साथ में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन के बारे में भी हम चर्चा यहाँ कर लेते हैं। 14/9/2021 प्रेस नोट रिगार्डिंग COVID-19 पेशेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 एंड प्रेस नोट रिगार्डिंग एडमिट कार्ड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। आयोग द्वारा सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2020 का आयोजन 22/9/2021 को सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक एवं ऐच्छिक विषयों के प्रश्न पत्र दिनांक 23/9/2021, 24/9/2021, 28/9/2021 से 6/10/2021 तक एवं 8/10/2021 व 9/10/2021 को प्रातः 9 बजे से 12 बजे एवं 2 बजे से सायं 5 बजे तक राज्य के समस्त संभागीय जिला मुख्यालयों पर किया जा रहा है। उक्त परीक्षा में प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी प्रत्येक ऐच्छिक विषय हेतु अलग अलग प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होवे। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक पर जाकर आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर, जन्म दिनांक से डाउनलोड कर लेवे। अभ्यर्थी SSO.rajasthan.gov.in पर लॉग इन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक का चयन कर भी संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर एक फोटो एवं मूल फोटो युक्त पहचान पत्र अवश्य लेकर परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व उपस्थित होवें। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ जारी आवश्यक निर्देशों का अवलोकन कर लेवे। COVID-19 की जो गाइडलाइन है उसकी पालना हमें करनी होगी। COVID-19 पेशेंट के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। कोरोना COVID-19 संक्रमित अभ्यर्थियों की परीक्षा हेतु पृथक से व्यवस्था की गई है। अतः कोरोना संक्रमित अभ्यर्थी परीक्षा दिनांक से 1 दिन पूर्व सायं 4 बजे तक आयोग कार्यालय में कोरोना संक्रमण संबंधी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज के साथ आवश्यक रूप से ईमेल एड्रेस दिया गया है, दूरभाष नंबर दिए गए हैं, इन पर वो संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा आयोजन हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके अन्य जानकारी हेतु अभ्यर्थी आयोग की कार्यालय के दूरभाष नंबर यहाँ दिए गए हैं, इन पर भी हम संपर्क कर सकते हैं।
तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE वेद अजसम के साथ। जय हिंद, जय भारत।